ग्रीन लाइन बस मंसूबे का आगाज करके कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बुनियाद रख दी गई है। लेकिन टावर के बजाय नुमाइश तक नामुकम्मल ट्रैक और फीडर बसें ना चलने के बाद शहरी इस इनकलाबी सहूलत से पूरी तरह फायदा नहीं उठा पा रहे। दिलचस्प बात ये देखने में आई है कि ग्रीन बस का इस्तेमाल करने वालों में मोटरसाइकिल सवारों की तादाद बढ़ती जा रही है। जो अपनी मोटरसाइकिलें बस स्टेशन के बाहर खड़ी करके एसी बस में आरामदेह सफर करके मंजिल पर पहुंचते हैं। शहर के मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर इस वक्त रोजाना 50,000 मुसाफिर सफर कर रहे हैं और इंतजामिया को रश को देखते हुए महदूद स्टेशन पर रुकने वाली एक्सप्रेस सर्विस शुरू करने की मंसूबा बंदी कर रही है। सिस्टम में दो किस्म के डिस्पैच चलते हैं, ट्रैक के अंदर कॉरिडोर के अंदर। एक को कहते हैं स्टॉपिंग, एक को कहते हैं एक्सप्रेस। स्टॉपिंग वो बस होती है जो कि हर स्टेशन पर रुकती है। एक्सप्रेस वो बस होती है जो कि मखसूस स्टेशनों से पैसेंजर उठा के डेस्टिनेशन तक लेके जाती है। एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से स्टेशन से पैसेंजर ज़्यादा हैं, तो हम एक्सप्रेस अनकरीब इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। ग्रीन लाइन बस इंतजामिया अपनी सर्विस बेहतर बनाने का दावा तो कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ स्टेशन पर बरकी जीने काम नहीं कर रहे, जबकि लिफ्ट के फाल न होने की वजह से बुजुर्ग और माजूर मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना है। आधा अधूरा ही सही, लेकिन कराची के बोसीदा ट्रांसपोर्ट निजाम में ग्रीन लाइन मंसूबा ताज़ा हवा का झोंका है, जिसकी कामयाबी मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलतों से मशरूत है।